नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में आज तब बड़ी ताकत मिली जब विष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और बीजेपी में आते के साथ ही उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर अराजकता फैली हुई है, हिंसा कई जगह देखने को मिल रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की में जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है उसको पूरी तरह विफल बताया है। और जैसा कि खबरें हैं, तृणमूल कांग्रेस के दो और सांसद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज जब विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान ने अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात करी तभी ये साफ हो गया था कि वो आज ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। माना यह जा रहा है कि वही बीजेपी से उम्मीदवार भी होंगे लोकसभा चुनाव में, और दो और सांसदों को जल्दी बीजेपी लाकर ममता बनर्जी को वहाँ पर संगठनात्मक तौर पर एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। और आज जब उनको शामिल कराया गया बीजेपी में तो उस समय केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और बीजेपी पश्चिम बंगाल को एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, मान रही है, पार्टी ने एक अपने आप के लिए लक्ष्य रखा है कि वहाँ पर 23 लोकसभा सीटें जीतनी है। देखना होगा कि क्या बीजेपी के प्रयास रंग लाते हैं। फिलहाल तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक झटका जरूर है सौमित्र खान का पार्टी छोड़ना। तेज तरार युवा नेता मित्र सौमित्र खान, जो पहले बंगाल में MLA भी रहे हैं और विष्णुपुर बांकुड़ा जिला के सांसद भी रहे हैं, विधायक थे, अभी सांसद हैं, उन्होंने देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने इच्छा जताई थी भारतीय जनता पार्टी में योगदान करने के लिए। आज बंगाल की सारे प्रमुख नेता मुकुल दा, राहुल दा, प्रताप दा, इन्हीं सभी के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आज मिले थे। उनको आज औपचारिक रूप में अभी हम भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी उनको मेंबर बनाए। मैं आज उनको दल में स्वागत करता हूं। माननीय सांसद श्री खान की इस समय में उपस्थिति बंगाल की बदलते हुए राजनीति की एक सूचक है। इस बार मित्रों, पूर्वी भारत में पिछले 2014 चुनाव की पहले से ही प्रधानमंत्री जी एक विषय देश के सामने अभियान के दौरान कहते थे। बाद में पिछले दिनों में जो जिम्मेवारी हम लोगों के पास केंद्र सरकार की रही, सरकार में रहते हुए भी उसको प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री जी के एक स्पष्ट मत था, जब तक पूर्वी भारत की एक बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होती है तब देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हुआ, एक सामग्रिक विकास हुआ, ऐसा कहना संभव नहीं होगा। अभी मैं मानता हूं वो पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, सिक्किम हो, वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा जैसे राज्य हो, इस इलाका में भारतीय जनता पार्टी शायद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की फेज को अगर हम जोड़ के भी माने, हम अपने विश्वसनीयता और लोकप्रियता की एक शीर्ष स्थान पे हम अभी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी को उस इलाका में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, विकास इन्हीं के नेतृत्व में होगा। 14th फाइनेंस कमीशन की निर्णय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट हो, कल कारखाना लगाने के लिए बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की एलोकेशन की बात हो, सौभाग्य योजना की एलोकेशन की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान में किन इलाका को ज्यादा पैसा जाता है तो इन्हीं इलाका को जाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की
प्रमुख लाभार्थी इलाका कोई है तो यही बेल्ट है, ये सारे के कारण आज एक पार्टी की नई आस्था की वातावरण बनी है पार्टी के ऊपर। इसी में विश्वास रखते हुए युवा साथी सौमित्र आज पार्टी में ज्वाइन किए, मैं उनको पार्टी में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हम सब मिलके, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार जिम्मेवारी उन्होंने लिया, हम सबके सामने उन्होंने एक टारगेट भी दिया था, टास्क भी दिया था, इस बार 19 की जो चुनाव के उपरांत मोदी सरकार के एक मजबूत पिलर पूर्वी भारत से होगी, तो ये सारे उसकी एक छोटी छोटी सी कड़ी है, हमारी ओर से मित्रों इतना कहना था, धन्यवाद।